पनीर बनेगा शाही। शाही तो हम बचपन से ही है, बस थोड़ा पनीर ऐड कर देते हैं उसमें। तो हेलो एवरीवन, टू बी दिस साइड। तो मुझे ज़्यादा मिलना जुलना और बोलना पसंद नहीं है, तो मैं सीधा लेके चलता हूँ। क्या ना कि आज मेरे को जिम जाना था, मैं जिम गया नहीं। जिम किस लिए नहीं गया? क्योंकि घर पे मिली बनाने वाली थी शाही पनीर, तो मेरा हो रखा था डाइट का टाइम। तो मैं जिम जाके क्या करूँ, थका हुआ था, तो सोचा यार पहले शाही पनीर खा लेता हूँ, उसके बाद सीधा सो ही जाएंगे। कभी कभी जिम की छुट्टी भी होनी चाहिए ना। तो शाही पनीर की तैयारी चल रही है, रोटी तो वगैरह बना के रख दी है। सुबह तो हमने खाए थे आज क्या है, मूली के पराठे और पनीर बनेगा शाही। शाही तो हम बचपन से ही है, बस थोड़ा पनीर ऐड कर देते हैं उसमें। मसाला रेडी कर दिया, मतलब हाँ, इसके अंदर प्याज, टमाटर और काजू, थोड़े से खड़े मसाले। ध्यान क्यों रो रहा है? क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? तो ध्यान को कुछ नहीं हुआ था, ये तो वैसे ही रो रहा था। नौटंकी की बात है। ध्यान किधर देख मीना, चलो। यानी ध्यान का दिन में कई बार का काम है ये, लेकिन मैं हिंदी क्यों बोलता, मुझे समझ नहीं आती। मतलब मैं हिंदी क्यों बोलना आ रहा था? कब सुबह तो लगे सांस बोल ले जाऊं मैं, मन अपनी बोलनी नहीं चाहिए भाषा। Let me remind myself. तो इस मसाले के अंदर जो है ना, जो पक रहा है अभी, थोड़ा सा मैं इसको और सॉफ्ट करूंगी। तो इसके अंदर मैंने ऐड करा है टमाटर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन, अदरक और थोड़े से खड़े मसाले लाइक दालचीनी, लौंग और मोटी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची और तेज पत्ता और थोड़े से इसमें काजू और थोड़ा सा बटर। तो अब शाही पनीर बन रहा है या फिर बटर चिकन कुछ भी बने, उनमें तो बटर चाहिए ही चाहिए। और सबके ऑलमोस्ट जो है ना, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो बनाने का तरीका सेम लगभग यही होता है। तो जो हमें प्योरी बनानी होती है तो वो लगभग इसी तरह से जो है बनती है। तो मैं अपने बस ये 2-3 मिनट इसको मैं और पकाऊंगी, और साथ में मैंने जो है अपने पनीर चॉप करके रख लिया है और रोटी वगैरह मैंने बना ही ली थी। तो जल्दी से करते हैं शाही पनीर को रेडी। और आज जो है इतना अच्छा मौसम, पूरे दिन से ही जो है बारिश हो रही है और यूवी भी आज जो है जिम नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि आज मैं रेस्ट करूँगा और शाही पनीर बनाते हैं। तो कल भी वैसे पनीर खाकर आए थे, पर देखते हैं अपने घर के पनीर की तो अलग ही बात है। क्यों तो चलो जी, करते हैं आगे की तैयारी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और बारीक बारीक अदरक और एक ये हरी मिर्च। तो इसमें जो अभी पनीर को मैं सबसे पहले जो है हल्का सा सॉटे फ्राई करूँगी, मतलब थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, एंड देन इसके अंदर जो वो पेस्ट है ना उसको ऐड करेंगे। तो जो मसाला बनाए थे ना, तो उसको मैंने इसके अंदर ले लिया है। अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी अच्छे से बिल्कुल बारीक और फिर उसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए जो ये पेस्ट है ना, ये बिल्कुल ऐसा बना है। तो इसमें हल्के हल्के से जो है ना काजू वगैरह जो थोड़े रह गए, तो इसके लिए क्या होगा, इसको मैं इसको अच्छे से छानूंगी। और इसका कलर देख लो आप, कितना खूबसूरत आ रहा है, अमेजिंग। तो शाही पनीर जो है हमारा रेडी है और जो मम्मी वगैरह सबको मैंने दे दिया, तो ये भी मेरा, हम लोग इसी में खाने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ऊपर से मैंने जो है इसमें हमारे घर की दूध की मलाई थी वो उसको अच्छे से बीट करके डाल दिया है। तो मम्मी ने जस्ट अभी खाया, तो बताओ मम्मी कैसी बनी? बहुत टेस्टी, सही लगी आपको? बढ़िया। तो चलो ध्यान भी सुन के, भूख नहीं थी पर एक रोटी जबरदस्ती टेस्ट के मारे खा ली। ठीक है, तो ध्यान भी सो गया है और अब मैं जा रही हूँ कमरे में। तो मनोज को भी दे दिया था। हाँ ठीक, तो अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। सीट सीट लिया तो भूलिए गई, तो सीट मैंने ले लिया है। तो ये देखो जी, लैपटॉप हमारा रेडी है मूवी के लिए और ये रही हमारी पटरी। तो मैंने शुरू कर दिया खाना।
बहुत पहले बन चुका हूँ खाना, तो मैंने टोपी पहनी है दोबारा वीडियो बनाने के लिए। तो मैं कह रहा था घर जैसे खाने का शौक कहीं और सका, और ऊपर से इतना टेस्टी खाना मैंने बना दे यार। मैं कह रहा हूँ बस पूछ मत, बस थोड़ा सा मीठा इधर उधर हो जाए ना, क्योंकि मेरे को मीठा पसंद नहीं ज़्यादा। मजाक कर रहा हूँ। तो डिनर जो है हमारा हो गया है बहुत अच्छे से, और अभी जस्ट में शार्ली की भी आ गई, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो गया है। तो आज हम लोग बहुत जल्दी टाइम से जो है फ्री भी हो गए, वो इसलिए क्योंकि आज यू भी जो है जिम नहीं गए थे, तो टाइम से खाना बन गया और टाइम से खाना मिल गया। तो बस बैठ कर मैं अपने कुछ वीडियोज़ की जो है एडिटिंग वगैरह करूँगी, और फिर उसके बाद हम लोग सोएंगे। तो आज का ब्लॉग जो छोटा सा था, तो छोटा सा ही था, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और जो ये मैंने आज जो शाही पनीर बनाया, इसका जो रेसिपी ना बहुत सिंपल होती है। जस्ट आपको क्या करना होता है ना, जो मैंने आपको मसाले वगैरह टमाटर प्याज वगैरह सब बताया था ना, उनको जस्ट आपको उबालना होता है, मतलब एक पैन में ले करके देन उसका पेस्ट बनाना होता है। उसके बाद आपको हरी मिर्च, बारीक बारीक अदरक और बटर के साथ छौंक लगाना होता है, दैट्स इट। इस तरह कुछ खास नहीं करना होता है। तो बहुत ही इजी था ये रेसिपी जो आज मैंने बनाई, और घर में सबको वो बहुत टेस्टी लगी। हम जो बाहर खा के आए थे, देखो बाहर के खाने में यही होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी भी होता है, हमें नहीं पता कि वो किस तरह का मसाले वगैरह डालते हैं। हालांकि हम लोग को बाहर का खाना पसंद होता है, मुझे भी है कभी कभी घर बाहर का खाना जो है पसंद, जब हम घर के खाने से बोर हो जाते हैं। तो बस यही होता है कि बाहर लोग किस तरह से बना रहे किस तरह से नहीं, हमें नहीं पता। तो ऐसी चीज़ें आप घर पर भी बना करके खा सकते हो, तो कभी बाहर का कभी घर का, तो ऐसे ही जो है चलता रहता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और बस अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।